हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एबीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम मत्थन। दोस्तों, आज कंसिल सिस्टम का अपर पार्ट आप लोगों को खोल खोल के और तोल तोल के अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, यानी फिटिंग कैसे करते हैं वो भी तो बताऊँगा, साथ में मेंटेनेंस कैसे करना है उसका थोड़ा बहुत टिप्स आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो में पूरा बने रहिए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए डायरेक्टली काम की साइड बढ़ते हैं और उसमें जिधर ही बकवास करेंगे उसके अंदर ही बकवास करते रहेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपर पार्ट है आप देख रहे हो, इसे कटिंग करना पड़ेगा कैसे, यानी दीवार के लेवल में। ओके, तो इसे दीवार का लेवल में कटिंग कर लेते हैं। और अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लम्बिंग का वीडियो बहुत सारा आप लोगों को मिलता रहेगा। और बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो जरूर फॉलो कर लीजिए, उधर सवाल जवाब करिए, आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलेगा और करने की कोशिश करूँगा हमेशा। बाकी चलिए पूरा दीवार का लेवल में कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। बाकी और एक बात है, ये जो है जैक्वार कंपनी का कंसील सिस्टम है। ओके, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, हल्का हल्का सा जो मतलब लगाने का तरीका। तो जब भी अलग कंपनी का लाऊंगा फिर, यानी फिर अलग सिस्टम रहेगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप लोगों को कपड़े में जो है अच्छे तरीके से इसे सफाई कर लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों का कचरा अंदर ना जाए। और भी एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, जो इसमें एंगल कॉक होता है ना अंदर, उसका पानी फर्स्ट टाइम आप लोग निकालिएगा मत, मतलब पानी चालू करके नल वल में जितना है सब में पहले निकाल दीजिए, वो एंगल कॉक बंद रहने दीजिए। फिर बाद में उस एंगल कॉक से पानी बाहर निकाल दीजिए ताकि कंसील सिस्टम में कचरा ना जाए। अगर कंसील सिस्टम में कचरा जाएगा तो आपका प्रॉब्लम लीकेज का होएगा, थोड़ा बहुत होते होते काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो जाएगा फर्स्ट टाइम में ही, और फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, देख लीजिए, इधर मैं बता देता हूँ, ये वाला जो एंगल कॉक है, ये वाला एंगल कॉक आप लोग बंद रखिएगा। ओके, पानी आने ही मत दीजिएगा, खाली रखिएगा, जैसे कि मेरा अभी खाली है। पहले नल वाल से निकाल दीजिए, फिर उसके बाद कनेक्शन पाइप खोल के बाहर पानी निकाल दीजिए, फिर उसके बाद कनेक्शन करिए, 10 मिनट पानी निकालने के बाद कनेक्शन करिए, अच्छा रहेगा। बाकी ये जो है आपका अपर पार्ट का नट वट वगैरह है और अपर पार्ट है। ओके, इस सब में लगने वाला जो है, देख लीजिए ये अपर पार्ट, इसका भी उल्टा सीधा आप लोगों को समझना पड़ेगा, यानी जैक वायर उल्टा सीधा उसमें लिखा हुआ रहता है। अब इसे खोलना कैसे है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। ओके, आप देख लीजिए, ये जो है ना आपका, ये आपको ये प्लास्टिक कवर खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सब नट वट जो है आपको लगाना है। कैसे लगाना है ऐसा तो आप लगा नहीं पाओगे, इसे आपको खोलना है। तो इस सब चीज को ना, शायद कैटलॉग होता है इसके साथ, मैं दिखा दूंगा, अभी फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कैटलॉग में। ये जो है इसको आपको ध्यान से देखना है, पहले आपका इसका लॉक कैसे खुलेगा, ये प्लास्टिक को आपको निकालना है। अगर आप ध्यान दोगे, कोई भी सिस्टम का अपर पार्ट होता है तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देख लीजिए इसका, आप इधर देखिए ध्यान से, ये आपका सिस्टम दिया है लॉक सिस्टम, मतलब इसे आप दबाओगे तो क्या है, ये अंदर जाएगा, फिर इसे आप ऐसे थोड़ा सा खींचोगे ऊपर जाएगा। ओके, फिर खींच लेना है, नहीं तो फिर ये जो दबाओगे आप देख लीजिए, ऐसा ऐसा ऊपर खींच के दबाओगे, इजीली है। ओके, जैसे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये निकल गया, अब इसको आपको ध्यान देना है, जैसे निकला था आपका नाम इधर जेक वाला है ऐसा, तो ये वाला चीज आपका ऐसा लगने वाला है। ओके, तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर दूंगा अभी। उसके बाद आप देख लीजिए, इधर में दो नट आता है, उसके बाद जो मतलब इसमें लगाने के लिए, थोड़ा एक पतला वाला आता है, एक जाड़ा वाला आता है, आप कौन सा किस में लगाना है ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि इसमें आप देख लीजिए, दोनों में मैं अभी ये वाला इसमें ही लगने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। आप ऐसे लगाओगे बोलोगे किधर जा रहे, नहीं लग रहे, इसमें एक साइड ऐसा पूरा आपको घुमाना है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा घुमा दे रहा हूँ, बस आप टाइट हो गए। देखिए आप, और एक जो नट है, और एक नट आपको ऐसे ही चेक करना है, सेम ऐसे लगाना है, उसके बाद ये ऐसा घुमा देना है, टाइट हो गया, बाहर नहीं आएगा। आप और एक पतला दिखाता हूँ आपको, ये जो है ये पतला वाला है, मतलब इसमें जो लगने वाला है वो अगर आप इसमें चेक करोगे ऐसा करके, तो इसमें ये जो है पकड़ेगा नहीं, ये आपका लूच रहेगा, निकल के आ सकता है। नहीं तो फिर आप और एक सिस्टम चेक कर सकते हो, तो जाड़ा वाला आप इसमें लगा सकते हो। तो क्या है, जाड़ा अगर इसमें आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा ये वाला इसमें, ठीक है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको लगा देना है, जैसे कि इसका खोल नीचे है, ये भी नीचे आएगा, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, नहीं तो आप ऐसे लगाओगे फिर आपका अपर पार्ट भी उल्टा लग जाएगा और जो इसका जैक्वार का नाम जो है वो भी उल्टा दिखेगा। ओके, ऐसे लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है सिंपल सा, उसके बाद जो है ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा दीवार में ऐसा चिपक जाना चाहिए, मतलब ये जो है ऐसा दिख लीजिए, ऐसे दीवार में बैठ जाना चाहिए, चारों साइड ऊपर नीचे चारों साइड बैठ जाएगा तो आपका जो अपर पार्ट है वो पूरा दीवार में टाइल्स में जो है चिपक के बैठेगा। ओके, उसके बाद आपको ये वाला स्टिक जो है
नट बोल जिसे बोलते हैं, इसे आपको ऐसे लगाना है, उसके बाद आपको घुमाना है। अगर बड़ा होता है तो फिर कटिंग करना है। और घुमाना कैसे है, जिस साइड आपका नल जैसे टाइट होता है वैसे उस साइड ऊपर की साइड घुमा देना है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड घूमेगा। ओके, अब मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ कटिंग करके फिर लगाता हूँ। आप देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा कटिंग कर दे रहा हूँ। क्योंकि क्यों कटिंग कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले कटिंग आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। मतलब इसमें थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो रहा था लॉक होने में। ओके, मतलब उस साइड में जाकर अगर रुक लग जाता है टैंक का, तो आपको क्या करना है, कटिंग कर देना है थोड़ा सा, ताकि आपका दीवार में बैठ जाइए, चिपक के बैठ जाइए। आप जो है ये पूरा स्ट्रांग हो चुका है। ओके, बिल्कुल मजबूत हो चुका है। आपका अपर पार्ट भी हो सके तो जैसे कि मैं अभी आगे बताया था, चेक कर सकते हो एक बार ऐसे। ओके, आप उसके बाद मैं और एक चीज़ लगाने वाला हूँ, चल हाँ ऐसे आप भी चेक कर सकते हो जैसे कि आपका दीवार में बैठा कि नहीं। ओके, अब आप लोगों को फ्लास वाला नट जो है इससे बताऊंगा, इसे जैसे कि खोलना और टाइट करना कैसा है। जैसे कि इस साइड खुलता है तो इस साइड खोलना है और उधर टाइट करना है, कितना जाएगा अंदर कितना आएगा उस सब चीज़ आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो दो नट है, ये दो नट में से मैं एक कटिंग कर चुका हूँ, मतलब मेजरमेंट करके कटिंग करके रेडी कर चुका हूँ, और एक जो है बड़ा है। देखिए आप, अब ये जो बड़ा है इसे क्या किया हूँ मैं, ये छोटा वाला इधर मेरा फिटिंग परफेक्ट हो जाएगा जो दिखाऊंगा आप। ये जो बड़ा है इसे आपको इस साइड में लगाना है, फिर आपको मेजरमेंट करना है कैसे, ऐसे इसके अंदर आपको पहले नॉर्मली ऐसा अंदर लगा देना है। ओके, जाने दो जितना जाएगा, और उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है। इसमें आप देख लीजिए फ्लास कर नहीं पाओगे। ओके, क्यों, क्योंकि इसका जो पीछे साइड है वो लग चुका है जाके फ्लास टैंक के पीछे साइड। आप देख लीजिए, वो देखिए ये पीछे साइड में पूरा लग चुका है। तो इधर आपको क्या करना है, कटिंग करना है, जैसे कि ये वाला मैं कटिंग कर चुका हूँ। ओके, तब फ्लास होएगा, अभी इसमें फ्लास नहीं हो पाएगा। तो इसका जो है ना ये जैसा है, इसमें मैं आप लोगों को और एक चीज़ गलत चीज़ बताऊँगा, मतलब कैसे रखना है वो अभी मैं लास्ट में बताऊँगा। पहले ये वाला आपको मैं कटिंग करके, कटिंग कितना करना है ये भी आपको इसमें बताता हूँ। देख लीजिए ये जो नट है ना, ये नट जो है इससे 10 mm बड़ा होना चाहिए। आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कितना दूर रख के कैसा रखना पड़ेगा, इसमें मेजरमेंट करके आपको 10 mm 15 mm बड़ा रख के आपका हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ। देख लीजिए ये जो नट है ना, नट के जो ये जो अप डाउन में जो ये वाला है, खीट बोलते हो जो भी बोलते हो, उसके ऊपर आपको ये वाला ऐसा रखना है। जैसे कि ये टाइट कर दिया, ये थोड़ा बड़ा है। ओके, इसे इतना नहीं रखना है, इसके ऊपर रखना है, इतना अंदर तक, मतलब वो दोनों के ऊपर आ जाना चाहिए, इतना वाला इतना आना चाहिए। अगर ये अगर नीचे हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है, तो आप फ्लास जो करोगे जब अपर पार्ट लगा दोगे फिर फ्लास करोगे, ये नीचे ऐसे इधर रुक जाएगा और जाएगा नहीं। तो ये वाला चीज़ ध्यान दे के आपको थोड़ा अंदर रखना है ऐसे, और मेजरमेंट करना है कितना लगेगा, फिर आप ऊपर से अपर पार्ट लगा सकते हो, और नट से 10 mm 15 mm बड़ा रखना है। आप देख लीजिए ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसमें अपर पार्ट लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, लगता नहीं है, मतलब फ्लास नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, ये देख लीजिए ऐसा हो जाएगा, आपका जो अपर पार्ट है वो लगे जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आपका मतलब आप बोलोगे कैसे मैं फिटिंग कर दिया। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद चलिए आपको पूरा फिटिंग करते हैं, फिर आपको और थोड़ा सा चीज़ बताकर निकलते हैं। अब मेजरमेंट सिंपल सा है, ऐसे साइड में बैठाइए, इधर जितना जाना चाहिए मैं बता दिया उतना से बैठाइए, और उधर साइड नट से 10 mm 15 mm बाहर रखिए, बस हो जाएगा कटिंग। उसके बाद कटिंग हो गया, आप इसे जो फिटिंग करना है सिंपल सा है, ऐसा ले जाना है जितना मैं बोला था, इसके घाट जो होता है एक उसके ऊपर रखना है, फिर आपको ऐसे टाइट कर देना है, बस हो गया। आपको नीचे से दिखाता हूँ, देखिए ये देख लीजिए इसके ऊपर रहना चाहिए, वो जो दो घाट है उसके ऊपर रहना चाहिए, हो सके तो और भी थोड़ा सा अंदर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ्लास नहीं होएगा। ओके, उसके बाद इसे जो है आपको स्ट्रेट में रखना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा कर दोगे तो आपका जाएगा नहीं, फ्लास भी नहीं होगा। इसे स्ट्रेट जो होल होता है वैसे स्ट्रेट रखना है, फिर आपका फ्लास होएगा। ओके, ऐसा पुश करिए और खुश रहिए, पुश करिए खुश रहिए। ओके, चलिए अब हो गया पूरा सेटिंग। ओके, कंप्लीट सेटिंग हो गया, इसमें और एक चीज़ लगना बाकी है, तो इसे खोलना पड़ेगा, फिर आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा सेटिंग जो कंप्लीट, उसके बाद ये वाला बॉक्स जो है आपका सिस्टान का अंदर लगेगा, तो इसे भी आपको लगाना है, नहीं तो वो वाला जो है जो फ्लास करोगे वो वाला चीज़ आपका इधर ऊपर से उड़ जाएगा। तो ठीक है, इसे लॉक करते हैं, खोलते हैं, फिर लॉक करते हैं, फिर फिटिंग करते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो अब ये मैं खोल चुका हूँ, अब इसे मैं लगाऊंगा। इसे लगाने का भी तरीका होता है, देख लीजिए, पहले जो दो फ्लास नट होता है उसे अंदर लेना है, उसके बाद इसमें
देख लीजिए ध्यान से, इधर लॉक है ओके, उस दोनों के अंदर ये दोनों आपको घुसाना है, ताला चाबी लगा देना है, फिर आपको ऊपर दबा के लगाना है। चलिए दिखाते हैं, इसे ऐसे नीचे आपको अच्छे तरीके से लॉक लगा लेना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला चीज़ है ये ऊपर ऐसा लेना है और टैंक के अंदर दबा देना है ताकि वो निकले ना, और कभी निकालना हो तो इसे बाहर ऐसा दबाकर फिर से बाहर निकाल सकते हो, टांग सकते हो ओके। आप उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट में समझाते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है लेकिन बहुत सारा तरीका आप लोगों को समझा है, इसकी वजह से बड़ा बन गया। आप इसे ऐसा लगाना है सिंपल सा ओके। अब जो फ्लास वाला नट है वो भी आपको इधर अंदर ले लेना है, इसके अंदर ये वाला नट, ये दोनों को ऐसा लेना है, दबा देना है। आप ये दोनों साइड फिंगर ऐसे दबा कर रखिए जोर से, और जिस साइड नल जैसे टाइट होता है वैसे आपको राइट साइड में घुमाना है, ऐसे दबा देना है, और इस साइड में भी सेम ऐसा करना है, ऐसे करके ऐसे दबा देना है। बस ये टाइट हो चुका है, कंप्लीट पूरा मजबूत हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपर पार्ट लगाना है ओके। आप अपर पार्ट भी जो लगाने का है वो तरीका होता है, जैसे कि जैक वार नाम आपका सीधा होना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं तो लगेगा भी नहीं अगर उल्टा होएगा तो। उसके बाद आपको ये जो है दबा के ऊपर से ये करना पड़ेगा ओके। ये जो जैक वार नाम है ये आपका सीधा होना चाहिए। आप देख लीजिए, जिसे मैं आपको साइड से बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये जो प्लास्टिक देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक से आपका जो ये वाला जो टैंक का जो ये स्टील का होता है उसे आपको ऐसे ऊपर रख के दबाना है, नहीं तो आपका टूट जाएगा ये वाला। ऐसा ऊपर रखिए, फिर ऐसा करिए, फिर नीचे से आप ऐसा दबाइए, फिर फिटिंग हो गया। उसके बाद ऐसा पुश करिए और खुश रहिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कभी ऐसा टैंक को खोलना है तो नीचे से ऐसा दबाना पड़ेगा, फिर ऊपर उठा के जैसा रिपेयरिंग करना होता है बिंदास करिए। काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है, जो जो आप लोगों को समझाया उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और बाकी ये जो अपर पार्ट है आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वो देखने के लिए आपको कंसील सिस्टम का फिटिंग देखना पड़ेगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिए। फिर मैं यही कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।